आज मैंने बहुत काम किया, इतना काम कि मैं तो आज थकी गई। आपने भी लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा। यदि मैं आपसे कहूं कल आपने दिन भर में क्या क्या काम किया, तो सुबह से लेकर शाम तक के काम की आपकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी। आप कहेंगे हम सुबह उठे, तैयार हुए, स्कूल गए, पढ़ाई की, वहाँ पे खेल कूद किया, घर वापस आए, अपने पापा के साथ मार्केट गए या मम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाया। तो इस प्रकार आप ढेर सारे कामों की एक सूची तैयार कर लेंगे। आप स्टूडेंट हैं और आपको लोगों ने अक्सर से कहा भी होगा कि एक स्टूडेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम पढ़ाई होता है, और इसीलिए जब आप घंटों बैठ के पढ़ाई करते हैं और आपकी मम्मी आपको पढ़ते हुए देख लेती है तो बहुत खुश हो जाती है, और आपको एक शाही ट्रीटमेंट मिलता है कि मेरा बेटा आज पढ़ाई कर रहा है। यानी कि शारीरिक और मानसिक परिश्रम जब आप करते हैं तो आप कहते हैं कि आपने कार्य किया। लेकिन विज्ञान की दृष्टि में कार्य की कुछ अलग ही परिभाषा है। काम का होना तब माना जाता है जब बल लगे और बल लगने के कारण वस्तु में विस्थापन हो। तो जब आप पढ़ाई करने बैठे हैं, घंटों एक जगह बैठकर पढ़ रहे हैं, आप लगातार एक बुक को निहार रहे हैं, आप उसमें मानसिक बल लगा रहे हैं, तो क्या उस मानसिक बल के कारण वो पुस्तक एक स्थान से दूसरे स्थान में खसक जाती है, या फिर क्या उसमें लिखे हुए अक्षर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं? तो आपके बल लगाने से उस पुस्तक में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, ना ही उसके अक्षरों में विस्थापन हो रहा है। तो हम यूँ कहेंगे कि विज्ञान की दृष्टि से आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने कोई कार्य ही नहीं किया। हाँ, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते यदि उसी बुक को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख देते हैं तो उस समय ज़रूर विज्ञान की दृष्टि से कार्य होना कहलाता है, क्योंकि आपने बल लगाकर उस पुस्तक को उठाकर दूसरे जगह पर रख दिया, यानी उस पुस्तक की स्थिति में परिवर्तन हो गया, या यूं कहे उसमें विस्थापन हो गया। तब हम कहेंगे कि वहां पर कार्य हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते काम कर रहे हैं ये दिखाने के लिए अपने बुक्स को इधर से उधर उठाकर रख दें। तो विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि कार्य किस प्रकार लिखा जा सकता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य को हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं, बल को फोर्स और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार कार्य का फॉर्मूला हो जाता है W बराबर F इंटू S। अब कार्य का मात्रक देखते हैं। बल को हम नापते हैं न्यूटन में और विस्थापन को नापते हैं मीटर में। तो कार्य बराबर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम जूल कहते हैं। और जब इसे दर्शाते हैं तो कैपिटल लेटर जे से दर्शाया जाता है, क्योंकि जूल वैज्ञानिक का नाम है, और जितने भी मात्रक वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखे जाते हैं वो अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाए जाते हैं। अब मान लीजिए इसी सूत्र में बल एक न्यूटन कहो और विस्थापन एक मीटर का हो, तो उस समय कार्य एक जूल का होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हम जूल को भी परिभाषित कर सकते हैं। एक जूल वह कार्य होता है जो किसी वस्तु में एक न्यूटन बल लगाने पर उसकी स्थिति में एक मीटर का विस्थापन कर दे। अच्छा बच्चों, छुट्टियों के दिन में आप अपने कमरे की साफ सफाई करते होंगे। मान लीजिए आपके कमरे में एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें आपकी ढेर सारी पुरानी किताबें रखी हुई हैं, और वो बॉक्स आपके कमरे में दीवार में किसी कोने में टिका कर दीवार से रखा गया है, और आप उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बॉक्स लगातार दीवार से टिका ही हुआ है, वो अपनी स्थिति में ज़रा सा भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। एक तो वो भारी है और दूसरा दीवार से टिके होने के कारण उसके पास जगह ही नहीं है कि वो बॉक्स मूव कर सके। तब आप बताइए, क्या आपने कार्य किया? इस स्थिति में आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आपने बल लगाया लेकिन उस भरे हुए किताबों वाले बॉक्स में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। ऐसे ही यदि आपको एक चेयर को उठाकर रखने को कह दिया जाए, तब बताइए, क्या आपके द्वारा कार्य हुआ?
इस स्थिति में जब आपने चेयर को जमीन से ऊपर की ओर उठाया, वहां पर आपने चेयर की स्थिति में परिवर्तन किया, वहां पर चेयर में विस्थापन हुआ, उस समय हम कहेंगे कि आपने वहां पर कार्य किया। लेकिन एक बार उठा लेने के बाद जब आप उसको पकड़कर खड़े हैं लगातार, उस समय पर आपके द्वारा शारीरिक बल तो लग रहा है लेकिन उस चेयर की पोजीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब आप चेयर को पकड़ के खड़े रहेंगे उस समय आपके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होगा। आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। आप अपने स्कूल में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाते हैं सीढ़ियों से चढ़कर, तभी भी आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तभी भी हम कहेंगे कि आपने कार्य किया क्योंकि शारीरिक बल लगाने से आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब आप स्कूल में बैठकर घंटों एक ही चेयर में लगातार बोर्ड को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं या आपके सामने टेबल में रखी किताब को देख के लगातार पढ़ रहे हैं, तो उस समय आपके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो अगली बार जब आप कहें कि आपने पढ़ाई की है और बहुत सारा काम किया है, तो इस बात को जरूर ध्यान दें कि क्या विज्ञान की दृष्टि से आपने कार्य किया है। तो ऐसे ही बच्चों, हमारे डेली लाइफ में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर बल तो लग रहा है लेकिन वहाँ पर कार्य हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर वस्तु में विस्थापन हो रहा है या नहीं। तो आइए बच्चों, कार्य के सूत्र पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न बनाते हैं। एक लड़की टेबल पर रखी किताब पर 4.5 न्यूटन का बल लगाती है। किताब बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। प्रश्न अनुसार दिया गया है, पुस्तक पर लगाया गया बल यानी कि F बराबर 4.5 न्यूटन, बल की दिशा में पुस्तक का विस्थापन S बराबर 30 सेंटीमीटर है। यह सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसीलिए हम इसे 100 से भाग देंगे, तो S बराबर होगा 30/100 मीटर यानी कि 0.3 मीटर। अब किए गए कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू S, तो हम लिखेंगे W बराबर 4.5 इंटू 0.3 और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा W बराबर 1.35 जूल। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से 3 मीटर ऊपर उठाता है, उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य का परिकलन करें। यह प्रश्न में g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने को ही कहा गया है, तो हम यही मान लेंगे। वैसे g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, लेकिन जब प्रश्न में 10 लिखने को कहा जाए तो हम g का मान 10 लेकर सॉल्व करते हैं, पर प्रश्न में यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो हम यही मान लेकर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 20 किलोग्राम है, विस्थापन s बराबर 3 मीटर है। अगर पृथ्वी से वस्तु को ऊपर की ओर उठा रहा है यानी कि उस वस्तु का विस्थापन यहाँ पर 3 मीटर है, बल बराबर mg होगा, m बराबर 20 kg है और g का मान 9.8 है। सॉल्व करने पर हमें 196 न्यूटन का बल मिलेगा। तो किया गया कार्य W बराबर होता है F into S, F के स्थान पर 196 लिखेंगे और S के स्थान पर 3 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 588 जूल। इसका मतलब यहाँ पर किया गया कार्य 588 जूल होगा। बच्चों, बल लगने पर विस्थापन की दिशा के आधार पर हम कार्य को 3 प्रकार में बांटते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो आइए हम अपने आसपास के उदाहरण से ही इन तीनों प्रकार के कार्यों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपके पास एक बॉल है जो रुकी हुई है विराम अवस्था में, यदि आप उसको धक्का लगाते हैं तो क्या होता है, बॉल आगे की ओर गति करने लगती है। आप कैरम खेलते हैं, कैरम में आपने देखा स्ट्राइकर आपके पास रहता है, अब स्ट्राइकर को धीरे से धक्का लगाते हैं तो वो भी आगे की ओर बढ़ने लगता है, मतलब उसमें भी विस्थापन होता है। आप घूमने जाते होंगे, अपना सामान एक ट्रॉली बैग में पैक करते हैं और वो ट्रॉली बैग बहुत भारी होने के कारण जनरली हम उसको कैरी करने के बजाय उसको खींचना पसंद करते हैं,
जिसमें चक्के लगे होते हैं और आप उसको आसानी से खींचते हुए ले जाते हैं। जब आप उसको खींचते हुए ले जाते हैं तो ट्रॉली बैग भी आपके पीछे पीछे चलने लगता है। बल लगा रहे हैं तो ट्रॉली बैग में विस्थापन हो रहा है। अपने छोटे बच्चों को भी खिलौने वाली गाड़ी को ऐसे धागे से बांध कर खींचते हुए देखा होगा। बच्चा आगे की ओर चलता रहता है, खिलौना उसके पीछे पीछे। यदि आप घर में पेट पालते हैं तो अपने डॉगी को भी जब घुमाने ले जाते हैं तब भी आप एक पट्टे की सहायता से उसे पकड़े रहते हैं और आपका पेट आपके साथ साथ या आपके पीछे पीछे चलता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब आप बल लगा रहे हैं तब वस्तु में विस्थापन हो रहा है। आप धक्का लगा रहे हो तो वस्तु आगे की ओर चल रही है, आप खींच रहे हो तो वस्तु आपके ओर चल रही है। मतलब धक्का लगा रहे हैं तो वस्तु दूर जा रही है और खींच रहे हैं तो वस्तु आपके पास आ रही है। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। जब आपने बॉल को धक्का लगाया तो आपकी बल की दिशा आपसे दूर थी तो बॉल भी आपसे दूर ही जा रही थी। कैरम की गोटियों में भी आपने देखा स्ट्राइकर से जब आप मार रहे हैं उसे, आप उसे धक्का लगा रहे हैं, अपने से दूर बल लगा रहे हैं, गोटी भी आपसे दूर जा रही है। जब आपने ट्रॉली बैग को खींचा बल की दिशा आप ही की ओर थी और ट्रॉली बैग भी आप ही की ओर आ रहा था। तो इस प्रकार जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है और उसी दिशा में विस्थापन होता है तो आपके बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कहलाता है। पर इसके विपरीत यदि बल लगाया जाए और विस्थापन की दिशा बल की दिशा से विपरीत हो तो वो ऋणात्मक कार्य कहलाता है। अब ऐसे उदाहरण सोचिए जिसमें कि बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा हो। ऐसे उदाहरण सोच पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जनरली जब हम ऋणात्मक कार्य का उदाहरण लेते हैं तो इसमें घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य के उदाहरणों को लिया जाता है। जब बॉल आगे की ओर लुढ़क रही थी, आपने बल लगाया था और बॉल आगे की तरफ गति कर रही थी, लेकिन सतह और बॉल के बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा था जो कि उस बॉल की गति का विरोध कर रहा था। तो यहाँ पर घर्षण बल के विरुद्ध उस बॉल में विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। वैसे ही यदि आप एक बॉल को ऊपर की ओर उछालते हैं, बॉल ऊपर की ओर जा रही है लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार वो बॉल पृथ्वी की तरफ खिंचानी चाहिए थी लेकिन बॉल ऊपर की ओर जा रही है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। चलो एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक बल दोनों एक साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप यदि कुएं से बाल्टी में पानी निकाल रहे हैं, आप रस्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो क्या होता है, वो पानी से भरा हुआ बाल्टी धीरे धीरे ऊपर आता है। अब बताइए ये कौन सा कार्य है? क्योंकि बल लगा रहे हैं आप अपनी ओर और बाल्टी भी आ रहा है आपकी ओर, इसका मतलब आपके बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। लेकिन उस बाल्टी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी तो कार्य कर रहा है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस बाल्टी को अपनी ओर खींचना चाह रहा है लेकिन बाल्टी फिर भी ऊपर की ओर जा रही है। तो यूं कह सकते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा क्योंकि उस वस्तु में उत्पन्न विस्थापन उस बल की दिशा के विपरीत है। तो हम एक ही उदाहरण में धनात्मक बल और ऋणात्मक बल दोनों के उदाहरण दे सकते हैं क्योंकि एक वस्तु पर जरूरी नहीं कि एक ही बल कार्य कर रहा होगा, एक वस्तु पर कई बल कार्य कर सकते हैं। तो जब हम उदाहरण देंगे तो ये स्पष्ट करें आप कौन से बल के द्वारा किए गए कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके बल के द्वारा किया गया कार्य उस बाल्टी वाली स्थिति में धनात्मक था लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य उसी बाल्टी के लिए ऋणात्मक था। धनात्मक कार्य का सूत्र हम लिखते हैं तो W बराबर होता है FS, जबकि ऋणात्मक कार्य के लिए हम सूत्र लिखते हैं तो होता है W बराबर -FS, क्योंकि यहाँ विस्थापन बल की विपरीत दिशा में है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह हमेशा विपरीत दिशा का घोतक होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं शून्य कार्य की। शून्य कार्य की पहले भी हमने चर्चा की, जैसे कि आप अपने कमरे में
एक बड़ा बॉक्स जो कि किताबों से भरा हुआ था उसको खसकाने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं खसका, तो उस समय आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य कहलाएगा, क्योंकि बल लगाने पर भी उस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हुआ। यदि आपके सामने एक बड़ा सा ट्रक है और आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे, बल तो आपने पूरा लगाया लेकिन ट्रक अपनी स्थिति से टस से मस नहीं हुआ, तो उस समय भी आपके बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य कार्य एक और स्थिति में होता है जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, उस समय भी वस्तु पर किया गया कार्य या यूं कहे बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब ऐसी स्थिति का हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म में गए, आपके पास बहुत भारी सामान था, आपने कूली को हायर किया, कूली ने आपका सामान जमीन से उठाकर अपने सिर पर रख लिया। इस समय में जमीन से लेकर सिर पर रखने में कूली के द्वारा कार्य किया जाएगा, क्योंकि बल लगाने से उस सामान में विस्थापन हुआ और वो जमीन से उठकर उस कूली के सिर पर पहुंच गया। लेकिन कूली सिर पर उस सामान को घंटों ढोकर रखा हुआ है, खड़ा है। मान लीजिए आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और वो इस तरीके से सामान को सिर में ढोकर रखा है, उस समय उस कूली के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि सामान अपनी स्थिति पर ही बना हुआ है, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। यहाँ तक तो क्लियर था। अब हम दूसरी स्थिति देख रहे हैं शून्य कार्य की, जहाँ पर बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि जब कूली सीधे प्लेटफॉर्म में सामान को सिर पे उठाकर क्षैतिज में सीधा सीधा चले प्लेटफॉर्म में, तो बल की दिशा ऊपर की ओर होगी और सामान के विस्थापन की दिशा उसी के लंबवत होगी। इस कंडीशन में भी बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कूली को पैसे नहीं देंगे, कूली को तो पैसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान में कार्य की परिभाषा अलग है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम शारीरिक परिश्रम या मानसिक परिश्रम को कार्य के नाम से जानते हैं। प्रश्न, एक गोलाकार वस्तु को लुढ़काने पर वह 4 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है, उस पर 15 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। इस प्रश्न के अनुसार वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल F बराबर 15 न्यूटन है, वस्तु का विस्थापन S बराबर 4 मीटर है। अब वस्तु का विस्थापन एवं वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करता है, यानी कि यहाँ पर घर्षण बल इस वस्तु के विस्थापन का भी विरोध कर रहा है। अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर होगा माइनस F इंटू S, माइनस साइन विपरीत दिशा का घोतक होता है, तो W बराबर होगा माइनस 15 इंटू 4 और W बराबर माइनस 60 जूल। अगला प्रश्न, 60 किलोग्राम द्रव्यमान की महिला इमारत की पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़ती है, जिसमें प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है। इस क्रिया में महिला पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। प्रश्न अनुसार दिया गया है, महिला का द्रव्यमान m बराबर 60 kg, महिला पर लग रहा गुरुत्व बल 60 × 9.8। गुरुत्व बल की जब गणना करें तो वो m इंटू जी होता है, इसलिए द्रव्यमान को हम गुरुत्वीय त्वरण जी से गुणा करेंगे। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, 20 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई हो जाएगी h बराबर 20 × 23/100 मीटर। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर होगा माइनस mgh। हमने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और महिला यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो हम लिखेंगे माइनस 60 × 9.8 × 20 × 23/100 और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस 2704.8 न्यूटन मीटर।
और न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2704.8 जूल। और यदि इसे किलो जूल में कन्वर्ट करें यानी कि 1000 से भाग दें तो ये हो जाएगा -2.70 किलो जूल। बच्चों, ये हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में, उसकी प्रकाश की मौजूदगी में ये हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जब प्रकाश नहीं होता तो ये पौधे भी अपना भोजन नहीं बना पाते। आपके कमरे में जो फैन ट्यूबलाइट चल रहा है वो कैसे काम करता है, या यूं कहें कि वो कब काम करता है? जब इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ये भी काम नहीं करते हैं। आप यदि बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं वो भी कैसे चलता है? जब उसमें हम फ्यूल डालते हैं। अगर ईंधन नहीं होता तो ये बाइक ये कार भी नहीं चलते। और ये प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, ये ऊर्जा का ही रूप है। ये यूं कहें कि ये सारी वस्तुएं कब तक काम कर रही थी? जब तक इनमें ऊर्जा प्रदान की जा रही थी। ऊर्जा की अनुपस्थिति में ये काम नहीं करते। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, इसके कई रूप हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और भी इसके कई रूप हैं। पर इस पार्ट में हम केवल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि दो प्रकार की होती है। एक काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। जो ऊर्जा वस्तु में उसकी गति के कारण होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु गति कर रहा है यानी कि वस्तु में वेग है, तो वेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब वस्तु में उसके वेग के कारण किस प्रकार ऊर्जा उत्पन्न होती है इसे हम एक एक्टिविटी द्वारा देते हैं। इसके लिए हम एक लोहे की बॉल लेंगे, शॉर्ट पुट, जिसे आपने थ्रोज में देखा होगा या फेंका भी होगा। अब इस शॉर्ट पुट को यदि हम रेत के ढेर पर गिराए तो ज़रूर वो इस रेत की ढेर पर गहराई बना देगा, एक गड्ढा कर देगा। अब इस शॉर्ट पुट को हम अलग अलग ऊंचाई से गिराकर देखेंगे और देखते हैं कि इस रेत में कितना गड्ढा हो रहा है या इस गड्ढे की गहराई कितनी है, ये हम नापेंगे। जब वो शॉर्ट पुट ऊपर से गिराया जा रहा है यानी कि उस शॉर्ट पुट में, उस लोहे की बॉल में वेग आ गया, और उस वेग के कारण क्या काम हो रहा है, उस रेत में गड्ढा होने का काम हो रहा है। रेत में गड्ढा हो रहा है इसका मतलब उस वस्तु में, उस बॉल में कुछ ऊर्जा आई होगी या ऊर्जा होगी, और इसी ऊर्जा को हम देखते हैं कि वेग के कारण इस वस्तु में किस प्रकार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो चलो बच्चों, इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। चलिए अब हम इस प्रक्रिया को एक ही वस्तु को लेकर करते हैं, लेकिन इस बार हम उसकी ऊंचाई अलग अलग लेंगे। हम इसे अलग अलग ऊंचाइयों से रेत पर गिराएंगे, क्योंकि अब वस्तु एक ही होने के कारण हमारा द्रव्यमान समान रहेगा। इसे हम फिर से इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ दो जगह मार्किंग की हुई है, एक मार्किंग यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक बार हम इस बॉल को इस ऊंचाई से गिराएंगे और दूसरी बार इस ऊंचाई से, और उसका मापन कर लेंगे। देखते हैं, सर्वप्रथम मैं इसे इस ऊंचाई से गिरा रही हूँ। चलिए, बिल्कुल पहले की तरह हमें यहाँ पर भी बहुत बड़ा गड्ढा प्राप्त हुआ है, और ये बॉल आधी धस गई है। इसे निकाल लेते हैं, और अब हम पिछली प्रक्रिया की जैसे इस छड़ी का उपयोग करके इसमें मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस गड्ढे को मुझे इसकी इतनी गहराई प्राप्त हुई है, और इसे मैं इस मार्कर की सहायता से निशान लगा दे रही हूँ। ठीक है, अब
इसे हम स्केल से देख लेते हैं कि हमें कितना गहरा जो गड्ढा है वो प्राप्त हुआ है। तो पहली ऊंचाई से जो हमने डाला उसमें हमें गड्ढे की गहराई मिल रही है 8.7 सेंटीमीटर। अब इस प्रक्रिया को दूसरी बार करेंगे और अब की बार हम जो ऊंचाई लेंगे वो ऊंचाई होगी इसी पाइप में, ये जो मार्किंग हमने की हुई है ये, इससे हम इस बॉल को फिर से गिराएंगे। अब दूसरी जगह पे कर लेते हैं इसको। इस ऊंचाई से मैं इसे गिरा रही हूँ। देखो, आप देख सकते हो कि इस बार बॉल उतनी अंदर रेत में नहीं गई जितनी कि पिछले बार गई थी। इसका मतलब हमें जो गड्ढा इस बार प्राप्त हुआ है वो पहले की तुलना में थोड़ा कम गहरा है। चलिए इसका भी हम मापन करेंगे। पहले बॉल को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और अपनी छड़ी का उपयोग हम फिर से करते हैं। ये देखिए, दूसरी बार जब हमने कम ऊंचाई से इस लोहे की बॉल को गिराया तो हमें यहाँ तक की गहराई वाला गड्ढा प्राप्त हुआ है जिसे मैं मार्क कर ले रही हूँ। और अब हम इसे स्केल की सहायता से नाप लेते हैं। देखिए, ये हमें मिल रहा है 7 सेंटीमीटर। तो हमने यह पाया कि जब हम समान द्रव्यमान की वस्तु को अलग अलग ऊंचाइयों से गिरा रहे हैं तब भी उसका प्रभाव रेत पर अलग अलग आ रहा है। द्रव्यमान तो समान है, पर अब की बार ऊंचाइयां अलग अलग होने से उस वस्तु का वेग परिवर्तित हुआ। तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हमने जाना कि इस बॉल को यदि अलग अलग ऊंचाई से गिराया जा रहा था तो रेत में बनने वाले गड्ढे की गहराई भी अलग अलग थी। ज्यादा ऊंचाई से गिराया गया तो रेत में गड्ढे की गहराई भी अधिक हो गई। इसका मतलब जब उसको ऊंचाई से गिराया जाता है उसका वेग बढ़ जाता है और वेग बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक हो जाती है, और जब उसकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो उसके द्वारा अधिक काम होगा, या यूं कहे ज़्यादा काम होगा। इसलिए जो रेत में गड्ढे बने थे उसकी गहराई भी अधिक हो गई थी। तो बच्चों, इस गतिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास टेबल में एक किताब रखी है। अब उस किताब को मैं धक्का लगा रही हूँ, उस पर बल लगा रही हूँ, तो वो किताब टेबल में किसी दूसरी स्थिति में पहुँच जाएगी। मान लीजिए एस विस्थापन उस किताब में हुआ। तो हम जानते हैं सूत्रानुसार कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब गति के तीसरे समीकरण से हम जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है, जहाँ u किसी भी वस्तु का आरंभिक वेग होता है, v उस वस्तु का अंतिम वेग, a वस्तु में उत्पन्न त्वरण और s वस्तु का विस्थापन होता है। तो इसी सूत्र से हम देखें s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। और गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी f बराबर होता है m इंटू a। अब f का मान और s का मान, बल और विस्थापन दोनों के मान को हम कार्य के सूत्र में रखते हैं, तो w बराबर हो जाएगा एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा तो w बराबर बचेगा 1/2m ब्रैकेट के अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस स्थिति में जो किताब थी टेबल के ऊपर आरंभ में रखी हुई थी विराम अवस्था में, यानी कि उसमें कोई वेग नहीं था, तो उसके आरंभिक वेग को हम शून्य लेंगे तो u बराबर हो जाएगा 0। फिर हमने उसको वेग दिया तो उसका अंतिम वेग हो जाएगा v। तो यहाँ पर हम u बराबर 0 लिखेंगे तो w बराबर हो जाएगा 1/2mv2। और ये जो किया गया कार्य है वो इस किताब की गतिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाएगी, इसलिए हम इस कार्य के जगह गतिज ऊर्जा लिखेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और इसीलिए हम इसे ई के से दर्शाएंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो ई के बराबर हो जाएगा 1/2mv2, और यही गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो यहाँ से हम देखें किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दो तथ्यों पर निर्भर कर रही है,
पहले तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर और दूसरा उस वस्तु के वेग पर। यानी कि यदि वस्तु बड़ा होगा, भारी होगा, जैसे कि अगर वो बॉल हमने लिया था लोहे का, उसकी जगह हम एक टेनिस बॉल लेते, छोटी बॉल लेते, तो छोटी बॉल और उस लोहे की बॉल को यदि एक साथ गिराया जाता तो छोटी वाली बॉल जिसका द्रव्यमान कम है वो कम गहराई का गड्ढा बनाता रेत में, और वो शॉर्ट पुट वो लोहे की बॉल सेम ऊंचाई से गिरने पर उस रेत में अधिक गहराई का गड्ढा बनाएगा। दूसरा, गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है वेग पर, और इसीलिए हमने देखा अलग अलग ऊंचाई से जब गिराया गया तो अलग अलग ऊंचाई होने के कारण उसके वेग भी अलग अलग थे। इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर यानी कि अधिकतम वेग होने पर गड्ढा भी गहरा बना, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिकतम थे। हेलो बच्चों, आप देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, दो बॉल। ये कौन सी बॉल है? टेनिस की। आप लोग इसे क्रिकेट खेलते हैं ना। और ये एक बॉल है मेरे पास लोहे की। मैं सोच रही हूँ कि यदि दोनों बॉल मेरे पैरों पर गिर जाए तो क्या होगा। इस टेनिस की बॉल का दर्द तो मैं सह लूँगी, पर अगर ये लोहे की बॉल मेरे पैर पर गिर जाए तो तय है कि मेरे पैर की हड्डी तो टूट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास दो अलग अलग द्रव्यमान की बॉल है, इनके गिरने से हमें चोट कम या ज़्यादा क्यों लगती है? इसे समझने के लिए हम क्यों ना इन्हें गिरा कर देखें। पर नहीं, मैं अपने पैरों पर तो इन्हें नहीं गिराने वाली। क्यों ना हम इसे एक ऐसी जगह पर गिराएं जहां पर हमें चोट भी ना लगे और इनके गिरने के प्रभाव को भी हम आसानी से देख सकें। तो चलिए हम इसे रेत पर गिरा कर देखते हैं। जब हम इसे रेत पर गिराएंगे तो हम इसके प्रभाव को आसानी से देख पाएंगे। शुरू करते हैं हम अपने टेनिस बॉल से, और इसके लिए इसे किस ऊंचाई से गिराना है इसका प्रयोग के लिए हम, आप देख सकते हैं इस रॉड में एक निशान हमने लगाया हुआ है, उस निशान से हम इसको गिराएंगे ताकि हमारी ऊंचाई में परिवर्तन ना हो। देखिए इस मार्किंग की हुई जगह से हम यहाँ पर इसी ऊंचाई का प्रयोग करके इसे गिराते हैं। अरे, इसने तो बहुत ही छोटा सा गड्ढा किया है। चलिए हम इस गहराई को नापेंगे। तो चलो बच्चों, अब इसी प्रक्रिया को हम इस लोहे की बॉल के साथ करते हैं। ओह माय गॉड, देखो तो ये कितनी भारी है। चलिए देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भी हम इस छड़ की सहायता लेंगे और उसी प्रकार यहाँ पर इसे रख देते हैं, ये मार्किंग की हुई जगह। इसी समान ऊंचाई से हम इस लोहे की बॉल को भी गिराते हैं। ये बॉल बाहर आ गई है, ठीक है। अब इस छड़ी की सहायता से हम इसे नाप लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने इतना नापा है इसे, और इस गहराई के नाप को हम मार्कर से निशान लगा देते हैं। तो बच्चों, अभी हमने दो अलग अलग भार की बॉल को रेत पर गिराकर देखा और रेत पर बनने वाली गहराइयों को नापा भी। टेनिस की बॉल से हमें जो गहराई प्राप्त हुई थी उसकी मार्किंग हमने यहाँ कर रखी है, और लोहे की बॉल से हमें इतनी गहराई प्राप्त हुई थी। इसे हम स्केल से नाप कर देख लेते हैं और इस अंतर को समझ पाएंगे। लोहे की बॉल से हमें रेत पर जो गहराई प्राप्त हुई थी उसका स्केल में हम मापन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 9.7 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम नाप लेते हैं जो कि हमें टेनिस की बॉल के थ्रू प्राप्त हुआ था। टेनिस के बॉल के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमने यह देखा कि दोनों बॉल में से जिसका भार अधिक का अधिक था उसका रेत में हमें गड्ढा भी अधिक बड़ा प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो उसके संवेग को प्रभावित करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका संवेग भी अधिक मिलता है, इसलिए हमें अधिक भार वाली बॉल से रेत में अधिक बड़ा गड्ढा प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, हमने देखा कि जब हमने अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से रेत पर गिराया
तो उसका प्रभाव अलग अलग था। हमें रेत पर अलग अलग गहराई के गड्ढे प्राप्त हुए जिसका कारण उनके संवेगों में परिवर्तन था। तो चलो बच्चों, इस गतिज ऊर्जा से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते हैं। प्रश्न, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? प्रश्न अनुसार दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी, वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ये सारे मान सूत्र में रखते हैं तो मिलेगा हाफ इंटू 20 इंटू 5 स्क्वायर और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 250 जूल और ये वस्तु की गतिज ऊर्जा है। अगला प्रश्न, यदि किसी कार का द्रव्यमान 200 केजी है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? प्रश्न अनुसार दिया गया है, कार्य का द्रव्यमान 200 किलोग्राम, कार का प्रारंभिक वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर इस वेग की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, हमको इसे एसआई मात्रक में कन्वर्ट करना है क्योंकि इसका द्रव्यमान केजी में दिया गया है यानी कि एसआई मात्रक में दिया गया है, तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 36 को 1000 से गुणा करेंगे और घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 करेंगे क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड, इसलिए वेग बराबर होगा 36 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो u बराबर होगा 360 अपॉन 36 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार हम अंतिम वेग की भी गणना करेंगे, अंतिम वेग का मान भी 72 किलोमीटर पर आर दिया गया है तो इसे भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हो जाएगा 72 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकंड यानी कि 720 अपॉन 36 मीटर पर सेकंड और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20 मीटर पर सेकंड। अब कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर क्योंकि हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं तो प्रारंभिक वेग का मान यहाँ पर लिखेंगे। मान रखने पर हमें मिलेगा हाफ इंटू 200 इंटू 10 का स्क्वायर और ये होगा हाफ इंटू 200 इंटू 100, गुणा करने पर हमें मिलेगा 10,000 जूल। कार का अंतिम गतिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। अंतिम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर हम अंतिम वेग का मान रखेंगे, सूत्र अनुसार होगा हाफ इंटू 200 इंटू 20 का स्क्वायर और हाफ इंटू 200 इंटू 400 और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 40,000 जूल। अतः किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है तो हम लिखेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि 40,000 माइनस 10,000 और ये होगा 30,000 जूल और किलो जूल में कन्वर्ट करें तो इसे हजार से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30 किलो जूल।